बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी में ये आप लोगों का तीसरा लेक्चर है। अगर आप लोगों ने इस इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी टॉपिक का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसको पहले देख ले, तो तभी यहाँ पे आकर आप लोगों को सही समझ आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी में जब ये लेक्चर हो जाएगा तो फिर इसमें एक लेक्चर लास्ट रहता है जिसमें हम इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, जो एक ज़बरदस्त कंसेप्ट है, वो मैं आप लोगों को डिलीवर करूँगा और वो मैं आपको समझाऊँगा। उससे MCQ आ जाता है, उसमें 2-3-4 MCQs है जो बड़े बड़े अहम है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने MCQs लिख के हैं पहले से। इन MCQs को पहले इसका कंसेप्ट सीखेंगे, मतलब ये कि पहले क्लियर करेंगे कि MCQ में क्या बताया गया है। ठीक है, और फिर मैं ये सोल्यूशन सॉल्व करूँगा एक एक MCQ को। तो आप लोग गौर से सुनो, और आप लोगों ने यहाँ पे MCQ नहीं सीखना, आप लोग पहले से मैं बता दूं, आप लोगों ने MCQ को सॉल्व करने का मेथड सीखना है, तरीका सीखना है कि MCQ को मैं किस तरह परफॉर्म कर रहा हूं। और मैं पहले भी बता चुका हूं और मैं भी दोबारा भी बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने MCQ को सॉल्व करना है तो आपने कैसे सॉल्व करना है, आप किस तरह सोचोगे। तो यहाँ पर देखें, ज़रा एक बात क्लियर रखें, वो ये है कि फिज़िक्स का कोई भी MCQ जब आप करते हैं तो उसमें ये चार बातें याद रखो। नंबर वन ये कि आप MCQ में देखें कि उसमें गिवन डेटा क्या है, आप रिसर्च करें कि MCQ में जो डेटा गिवन है वो ज़रा अपने लिए जस्टिफाई कर दें, निकाल के साइड पे लिख ले कि ये हमारे पास गिवन डेटा है। फिजिक्स के हर MCQ में आपको कुछ डेटा गिवन होता है एक पॉइंट, और कुछ डेटा रिक्वायर्ड होता है दूसरा पॉइंट, और उस रिक्वायर्ड डेटा के लिए आपको फार्मूला चाहिए, और उस फार्मूले को सॉल्व करने का तरीका, उस फार्मूले से MCQ किस तरह आप सॉल्व करेंगे वो मेथड चाहिए। तो ये चार चीज़ें अहम है। एक, फिजिक्स के हर MCQ का यही पैटर्न होता है, आप लोग गौर से सुने, ये बड़ी अहम बात मैं कर रहा हूँ। फिजिक्स के हर MCQ में आप लोगों ने इन चार पॉइंट्स को अपने लिए क्लियर रखना है। अगर ये चार पॉइंट्स आपके क्लियर है तो आपका MCQ क्लियर है। ठीक है, कुछ MCQ इन्फॉर्मेटिव भी होते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं मैक्सिमम MCQs की बात कर रहा हूँ ना। जिस तरह अगर फिजिक्स में ये आ जाए कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया है, तो मतलब जाहिर बात है फिर वो तो एक इन्फॉर्मेटिव MCQ है। ठीक है, अच्छा, या अगर ये आ जाए कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू वाटर के लिए क्या है या प्लास्टिक के लिए क्या है, तो ये एक कांस्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए। या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या है, 8.85 मल्टीप्लाई 10^-12 सम इस तरह है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इस तरह इन्फॉर्मेटिव। अब ज़्यादातर MCQs फिजिक्स में इस तरह होते हैं, उसमें कुछ डेटा आपको गिवन होता है, सबसे पहले आप वो गिवन डेटा को अपने लिए कंफर्म कर दो, और कुछ डेटा रिक्वायर्ड होता है, कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती है जो आपसे पूछी गई है, वो अपने लिए आप MCQ में देखो कि क्या रिक्वायर्ड है, फिर उस रिक्वायर्ड डेटा को करने के लिए, रिक्वायर्ड जो आपसे चीज़ है उसको सॉल्व करने के लिए आपको फिजिक्स में चाहिए ये फार्मूला। तो आप फार्मूला अपने लिए लिख के कौन सा फार्मूला यूज होगा और उस फार्मूले का मेथड क्या है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें यहां पे अभी मैं इंप्लीमेंट करूंगा, तो आप गौर से सुने। जरा इधर देखे, जरा द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड, इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी के हवाले से ये पूरा लेक्चर है, तो फिर इसके बाद लास्ट लेक्चर में लूंगा। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 20 ± 0.2 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रिस्पेक्टिव। ऐसा एक MCQ में पहले भी सॉल्व कर चुका हूं और यहां पे मैं दोबारा कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे देखो, गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है रेडियस, यानी r बराबर है 20 और ±0.2 सेंटीमीटर के, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, और रिक्वायर्ड क्या है, परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन एरिया और परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन वॉल्यूम आपसे रिक्वायर्ड है, किस चीज के वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम। ठीक है, अब इधर देखे जरा, अगर आप लोगों को एरिया और वॉल्यूम का फार्मूला क्लियर है स्फेयर का, जो अभी यहां पर आप लोग मुझसे सीख लोगे तो आप इस MCQ को कर पाओगे, और मेथड क्लियर है कि एरिया और वॉल्यूम का फार्मूला तो मुझे क्लियर है, लेकिन उस फार्मूले से मैं इस MCQ को कैसे सॉल्व करूंगा, मेथड क्या है, ये दोनों चीजें अगर आपको क्लियर है तो फिर आप MCQ को कर पाएंगे, वरना तो नहीं कर पाएंगे। गिवन डेटा तो आप लोगों के सामने होता है, MCQ में होता है, और रिक्वायर्ड डेटा भी MCQ में होता है,
फिर फर्दर ये दो चीज़ें आपके माइंड में होने चाहिए, जो आपके नॉलेज में होनी चाहिए। यही नॉलेज आप लोगों ने हासिल करना होगा कि फार्मूला कौन सा लगेगा और उस फार्मूले को, उस फार्मूले से आंसर निकालने का तरीका क्या होगा। अब लोगों को फार्मूला क्लियर भी होता है लेकिन उनको तरीका क्लियर नहीं होता, जो अभी आपको मैं समझाऊँगा कि मेरे बातों का मतलब क्या है, मेरे कहने का मकसद क्या है। आप लोग इधर देखें ज़रा। अच्छा, सबसे पहले तो इधर परसेंटेज अनसर्टिनिटी मुझसे मांगी गई है, तो मैं रेडियस से, इस रेडियस में परसेंटेज अनसर्टिनिटी मालूम करूंगा। तो परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन रेडियस वो बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास एरर है, दिस इज एरर, दिस इज मैयट क्वांटिटी, तो मैं एरर को 0.2 डिवाइड बाई 20 मैयट क्वांटिटी पे डिवाइड करूंगा और 100% के साथ मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये सिफर सिफर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास 2 5 10 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, 5 और 5 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो रेडियस में आपके पास परसेंटेज एरर आया 1%। दिस इज द परसेंटेज एरर इन रेडियस जो कि 1% के बराबर आया, 1%। अब एरिया ऑफ स्फेयर किसके बराबर है? एरिया ऑफ स्फेयर बराबर है 4πr² के, और वॉल्यूम किसके बराबर है? ये फार्मूला यहाँ से आप लोग क्लियर कर लो, कल को अगर स्फेयर के वॉल्यूम में या एरिया में परसेंटेज अनसर्टिनिटी आपसे मांगी गई है तो आपको फार्मूला क्लियर होना चाहिए कि स्फेयर का एरिया रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है और स्फेयर का वॉल्यूम रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करता है। आप प्रीवियस लेक्चर देखें तो उसमें ये तरीके मैंने समझाए हैं आप लोगों को, 4/3π और आर क्यूब। अब एरिया भी आर पे डिपेंड करता है, मींस द मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर डिपेंड अपॉन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस, द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिपेंड अपॉन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस। तो इधर आर स्क्वायर है तो एरिया में आपके पास आ जाएगा, अगर एरिया में आपने निकालना है तो रेडियस में आपके पास 1% है लेकिन इधर आर स्क्वायर है, आर का पावर 2 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो एरिया में आपके पास 2% एरर आ जाएगा एरिया ऑफ स्फीयर में, जबकि वॉल्यूम आर क्यूब है तो वॉल्यूम में आपके पास 1% रेडियस में है और क्यूब है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वॉल्यूम में आपके पास आ जाएगा 3% एरर। तो हमारे पास इधर जो एरिया है, एरिया में हमारे पास एरर आया माय डियर 2% और वॉल्यूम में हमारे पास एरर आया 3%। वॉल्यूम में ज़्यादा आया, एरिया में कम आया, क्योंकि वॉल्यूम रेडियस क्यूब पे डिपेंड करता है और एरिया रेडियस स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो ये मेथड है, मेथड ये है कि रेडियस में जितना परसेंटेज एरर होगा उसको रेडियस के पावर के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, आप उसका स्क्वायर नहीं लोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे। ये रूल्स है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को समझाए हैं। अब इधर देखिए जरा, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये तो एक एमसीक्यू हो गया। अब यहां से ये भी आपको पता चल गया कि अगर हम स्फेयर का एरिया और वॉल्यूम सिमल्टेनियसली मालूम कर दे तो हमारे पास वॉल्यूम में ज्यादा एरर आएगा और एरिया में कम एरर आएगा, क्योंकि वॉल्यूम रेडियस क्यूब पे डिपेंड करता है, आर पावर 3 पे, और एरिया आर पावर 2 यानी रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो जरा, द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड एज दिस, लेंथ आपके पास है 10 ± 0.1 cm एंड द वैल्यू ऑफ जी इज दिस m/s² 10 ± 0.2 m/s², व्हाट विल बी द परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब गिवन डेटा आपको लेंथ और वैल्यू ऑफ जी गिवन है, ठीक है ना। रिक्वायर्ड डेटा आपके पास क्या है? रिक्वायर्ड वो हमारे पास है कि टाइम पीरियड में कितने परसेंटेज अनसर्टिनिटी हमारे पास होगी। अच्छा, तो पहले आप लेंथ में परसेंटेज अनसर्टिनिटी मालूम करें, तो लेंथ में जब मालूम करूंगा तो हमारे पास हो जाएगा 0.2, ये लेंथ है देखो, 0.2 डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाई 100% हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये हो जाएगा 10 को जब 0.2 से मल्टीप्लाई तो ये आपके पास 2% आ जाएगा। हाँ सर, 2% आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 2% 10 × 0.2 2% आ जाएगा। ठीक है, लेंथ में 2% अनसर्टिनिटी, इस मेजरमेंट से आप परसेंटेज अनसर्टिनिटी को मालूम करोगे 10 ± 0.2, ये 0.2 आपके पास एरर है और ये 10 आपके पास मेजर्ड क्वांटिटी है। इसी तरह वैल्यू ऑफ जी में अगर आप परसेंटेज अनसर्टिनिटी मालूम करोगे तो वैल्यू ऑफ जी में, अच्छा यहाँ पे ये मैंने वैल्यू ऑफ जी की परसेंटेज अनसर्टिनिटी मालूम की, देखें लेंथ में जब अनसर्टिनिटी मालूम करूँगा तो वो बराबर है
0.1 डिवाइड बाय 10 और मल्टीप्लाई 100% हो, तो लेंथ में आपके पास 1% अनसर्टिनिटी आ गई, लेंथ में 1% अनसर्टिनिटी आ गई और वैल्यू ऑफ जी में आपके पास 2% आई। ये जो पहले मैंने मालूम कि ये वैल्यू ऑफ जी में परसेंटेज अनसर्टिनिटी है, अब टाइम पीरियड का फार्मूला लिख के 2π अंडर द रूट एल बाई जी इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, आप लोग को पता भी है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके कंसेप्ट समझाए हैं अभी, जस्ट मैं एमसीक्यूज कर रहा हूँ। तो ये एल बाई जी अंडर द रूट एल बाई जी के बराबर है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड लेंथ के पावर 1/2 और जी के पावर 1/2 पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड में हम लोगों ने परसेंटेज अनसर्टिनिटी को मालूम करनी है, तो आप लोग देखो तरीका सीखो, लेंथ में कितने परसेंट है 1% और प्लस आप जी में कितना है वो 2%, दोनों को एडिशन में लिख लिया। हाँ, फिर लेंथ का पावर क्या है 1/2, 1 को भी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करो और 2 को भी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करो क्योंकि जी का पावर भी 1/2 है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5% और प्लस ये आपके पास आ जाएगा 1%, तो रिजल्ट आपके पास 1.5% आंसर आया। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में जो परसेंटेज अनसर्टिनिटी इधर आएगी वो 1.5% हमारे पास आंसर आया। ठीक है, अब एमसीक्यूज के ऑप्शन में आपको कुछ भी दे सकते हैं, आप लोगों ने तो तरीका सीखना है, 2% भी दिया होगा, 3% भी दिया होगा, 1.5% भी दिया होगा, तो 1.5% इज द आंसर। ठीक है, अच्छा, द मास ऑफ क्यूब इज मेजर्ड विद अनसर्टिनिटी ऑफ 3%, मास ऑफ क्यूब उसमें 3% अनसर्टिनिटी है मास ऑफ क्यूब में, एंड द लेंथ ऑफ क्यूब इज मेजर्ड विद अनसर्टिनिटी ऑफ 2%, और क्यूब के लेंथ में हमारे पास 2% अनसर्टिनिटी है, ये गिवन डेटा आपके पास आ गया। द परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन डेंसिटी ऑफ क्यूब, तो देखो अब रिक्वायर्ड डेंसिटी में अनसर्टिनिटी आपसे मांगी गई है, तो आप लोगों को डेंसिटी का फार्मूला क्लियर होना चाहिए, डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। लेकिन ये बात याद रखे कि क्यूब हमारे पास कुछ इस तरह होता है, ये यहाँ पे मैं ज़रा एक ये उसका डायग्राम बना देता हूँ, ये हमारे पास क्यूब का शेप होता है, तो उसका ये वाला लेंथ, ये वाला और ये वाला, ये सारे आपस में लेंथ विड्थ और ब्रेथ आपस में बराबर होते हैं, तो मैं इन तीनों को एल 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 लिखता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई वॉल्यूम, अगर मैं लिखूंगा तो वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई ब्रेथ के बराबर है, लेकिन इधर क्यूब के लिए ये तीनों लेंथ सेम है, तो मैं सिर्फ एल लिख लूंगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब हो जाएगा, तो एम डिवाइडेड बाई एल क्यूब लिख लूंगा। अब इधर एक डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है और वॉल्यूम एल क्यूब के बराबर है, मास में कितने परसेंट एरर है 3% प्लस हो, लेंथ में कितना है 2% हो, लेकिन मास का पावर क्या है 1, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। आप लोगों ने अनसर्टिनिटीज को एडिशन में लिखना है, और फिर आप लोगों ने जिस फिजिकल क्वांटिटी में आपको अनसर्टिनिटी गिवन है उसके पावर के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, ये ओवरऑल रूल है परसेंटेज अनसर्टिनिटी को निकालने के लिए। आपने पहले परसेंटेज अनसर्टिनिटी को एडिशन में लिख लेना है, फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप, फिर जिस फिजिकल क्वांटिटी में आपको परसेंटेज अनसर्टिनिटी गिवन है फार्मूले के मुताबिक आप देखें कि उस फिजिकल क्वांटिटी का पावर क्या है, उसके पावर के साथ आप उस अनसर्टिनिटी को मल्टीप्लाई करें। जिस तरह डेंसिटी में मालूम करना है तो वो मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर है और वॉल्यूम लेंथ, तो मास की अनसर्टिनिटी और लेंथ की अनसर्टिनिटी को एडिशन में लिख लिया। अब मास का पावर क्या है 1, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही 3 आएगा, और एल का पावर 3 है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास आएगा माय डियर 3 × 2 = 6, ठीक है, और प्लस 3, तो 6 + 3 = 9%, तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टिनिटी आपके पास आ गई, ये हमारे पास 9% हो, 9% इज द आंसर, इसका सोल्यूशन हो गया। अब इधर देखिए जरा, द परसेंटेज अनसर्टिनिटी यूएनसी का मतलब अनसर्टिनिटी इन रेडियस ऑफ स्फेयर इज 2% हो, ये एमसीक्यू बड़ा सिंपल है, लेकिन ये मैंने एक पॉइंट क्लियर करने के लिए अब यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, ये थोड़ा यहाँ पे ये जो नॉलेज है थोड़ा सा नया है, आप लोग सुने जरा, ये पहले मैंने आप लोगों को इतना डिस्कस नहीं किया है प्रीवियस लेक्चर में, अब इधर देखे जरा, इसको मैं जरा आराम से डिस्कस करता हूं। इधर देखे, द परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, व्हाट विल बी द परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन वॉल्यूम, ठीक है, तो स्फीयर का वॉल्यूम बराबर है 4/3 πr³, ठीक है, r में 2% है
लिख लो आप लोग, ये 4/3 pi नहीं लिखना, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई अनसर्टेनिटी है ही नहीं। अगर आप स्फेयर का वॉल्यूम मालूम करेंगे तो आप रेडियस की मेजरमेंट करोगे तो तब आपके पास वॉल्यूम आप निकालोगे। अब r का पावर क्या है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6%, आपके पास 6% अनसर्टेनिटी आ गई वॉल्यूम में। अब यहाँ पे मैं बात क्या करना चाहता हूँ सुने जरा, अगर आपको स्फेयर के रेडियस में, ये बात बड़ी अहम है, अगर आपको स्फेयर के रेडियस में अनसर्टेनिटी गिवन है और आप वॉल्यूम में मालूम करना चाहते हैं तो ये तरीका है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3 × 2, ये रेडियस में जितनी अनसर्टेनिटी आपको गिवन है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको अपोजिट करता हूँ मैं, ये जो कंसेप्ट है इसको मैं अपोजिट कर देता हूँ, एमसीक्यू को अपोजिट कर देता हूँ। अगर मैं इस तरह बताऊँ कि द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 6%, व्हाट विल बी द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस ऑफ स्फेयर, तो अब आप क्या करोगे, मतलब ये कि अगर आपको वॉल्यूम में गिवन हो तो आप रेडियस में किस तरह मालूम करोगे। वॉल्यूम में आपको अनसर्टेनिटी गिवन है, वॉल्यूम में 6% हो तो रेडियस में कितनी होगी। तो अभी आप लोगों ने देखा कि परसेंटेज, ये फार्मूला आप याद रखो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 times ऑफ द परसेंटेज, आप बातों को सुना करो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। ठीक है, तो अगर आपको रेडियस में गिवन है और वॉल्यूम में मांगी गई है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 times ऑफ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस। अब अगर आपसे रेडियस में मांगी गई है, वॉल्यूम में गिवन है और रेडियस में मांगी गई है, तो आप इस 3 को उधर लेकर जाओ ना, तो मैं लिखूंगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस, इन रेडियस इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 3। तो मैं लिख लूंगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6% डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2%। तो ठीक है, इधर 2% रेडियस में गिवन है तो वॉल्यूम में कितनी है 6%, इधर 6% वॉल्यूम में गिवन है तो रेडियस में कितनी होनी चाहिए 2%। तो इस फार्मूले से मैंने आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम बराबर है 4/3 pi r³ के। तो अगर रेडियस में आपसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी मांगी गई है तो आर क्यूब आपके पास बराबर आ जाएगा 3/4 pi, और ये आपके पास वॉल्यूम। ठीक है, अगर इसको आप ये 4π/3 को उस तरफ लेकर जाओगे तो ये 3/4 pi हो जाएगा, तो r आपके पास आ जाएगा। जिस चीज़ में आप लोगों ने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मालूम करना है उसका पावर आपने 1 रखना है, तो रेडियस का क्यूब उधर लेकर जाओ तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4 pi V वॉल्यूम, और ये पावर 1/3 हो जाएगा। तो वॉल्यूम का पावर क्या है 1/3। अब वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी 6% है, उसका पावर क्या है 1/3, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 2%। तो अगर आपको वॉल्यूम में गिवन हो, रेडियस में मांगी गई हो, तो आप 3 पे डिवाइड करोगे। ठीक है, और अगर आपको रेडियस में गिवन हो, वॉल्यूम में मांगी गई हो, तो आप 3 के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यूज इससे आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक एमसीक्यू मैं इधर लिखता हूँ, वो ये है एमसीक्यू के, मैं लिखता हूँ द परसेंटेज, अब ज़रा अलग एमसीक्यू बता देता हूँ, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। अब ज़रा एमसीक्यू थोड़ा सा टफ कर दिया मैंने, आप देखें ज़रा, बड़ा अहम एमसीक्यू है ये, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज 6%, व्हाट विल बी द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ये तो बताऊंगा ना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये बताना होगा आप लोगों को, किस चीज़ का वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 6%, what will be the percentage uncertainty in area of sphere। अब अगर इस तरह का MCQ आ जाए तो
आपको परसेंटेज अनसर्टिनिटी गिवन है किस चीज में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में, और आपने मालूम करनी है किस चीज में, एरिया ऑफ स्फीयर में। तो सबसे पहले आप रेडियस में अनसर्टिनिटी मालूम करो। तो वॉल्यूम में 6% है, तो रेडियस में कितना हो जाएगा, 6% डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2%। रेडियस में 2% हुआ। अब एरिया किसके बराबर है, 4πr² के बराबर है। एरिया आर के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, तो 2% को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आर का पावर क्या है, 2, तो आपके पास आंसर आएगा 4%। इस तरह का एमसीक्यू भी आपका आ सकता है। अब यहां तक आप देख ले जरा, देखो यही एमसीक्यू है, इसी पैटर्न पे आएंगे, जस्ट आप लोगों के लिए डेटा थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं आप लोगों को इंडिकेटिंग अनसर्टिनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट वो कराता हूँ, तो फिर ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लेक्चर लेंगे, 2-3 लेक्चर सिग्निफिकेंट फिगर्स पे होंगे, फिर प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी पे एक हो जाएगा, तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ में सेकेंड ईयर के लेक्चर भी अपलोड करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सेटिंग में मेरा मसला था, तो इस वजह से थोड़े लेट हो गए हैं। आप लोग लेक्चर देखो और इन्जॉय करो, घर में बैठ कर इस सारे लेक्चर स्टेप बाय स्टेप देखा करो, ठीक है।